सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वुमेंस वर्ल्ड। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी आई मेकअप कैसे करते हैं। तो ये आई मेकअप करने के लिए मैंने अपने आई मेकअप प्रैक्टिस बोर्ड का इस्तेमाल किया है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का क्रीज लाइन एरिया पे मैंने रेड कलर का क्रीज लाइन एरिया से ड्रॉ किया है फ्लैट ब्रश की मदद से। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डार्क कलर लूँगी ब्लैक का, जो थोड़ा सा ब्राउन शेड दिखेगा रेड के ऊपर के क्रीज लाइन से थोड़ा सा नीचे। मैं इसको ब्लेंडिंग पेंसिल की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ मेरा ब्लेंडिंग हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे कट क्रीज करूँगी, तो मैं आउट कॉर्नर पे भी इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी और इससे आउट कॉर्नर का एक शेप दे दूँगी, आउटर वी का एक शेप दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कट क्रीज करूँगी। कट क्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे कंसीलर का इस्तेमाल किया था, तो मेरा कट क्रीज हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे रेड कलर का ही मैं आउटर वी पे और आउटर वी और पे अप्लाई करूँगी। तो मेरा जो डार्क कलर है आउटर वी का, वो मैंने ब्लैक कलर से ही पहले कर लिया था। उसके बाद मैं कट क्रीज का जो आउटर वी है उसको मैं रेड कलर के आई शेडो से ही इसको फिल करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन कलर ले रही हूँ शिमर का, और इसको मैं इनर कॉर्नर पे से आई लिड के थर्ड तक इसको ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसको अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे आई लाइनर लगाऊँगी। आई लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लेटिन का आई लाइनर यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं ग्राफिक आई लाइनर का क्रिएट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थिक आई लाइनर यूज़ किया है, अगर आपको थिन लगाना है तो आप थिन लगा सकते हो। इसी तरह मैं दूसरे आई पे भी इसी तरह से इसको अप्लाई करूँगी एक ग्राफिक आई लाइनर। अब मेरा आई लाइनर लग चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे वाटर लाइन पे भी इसको अच्छे से आई लाइनर से ही अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और इससे रेड कलर के आई शेडो से इसको अच्छे से मर्ज कर दूँगी वाटर आई लाइन को, वाटर लाइन से नीचे आई लैस लाइन को। तो मैं यहाँ पे स्मज कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने आई मेकअप के डमी के ऊपर आई लैसेस लगाऊँगी आई के ऊपर। तो आई लैसेस मैंने 3D के मैक का आई लैसेस यूज़ किया है, तो आप देख सकते। तो मेरा आई मेकअप हो चुका है। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जो मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक डेली वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं, अब मेरा आई मेकअप हो चुका है। इसके बाद मैं कॉन्ट्रोल करूँगी। नोज़ कॉन्ट्रोलिंग के लिए मैंने यहाँ पे अपने आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर का शेड लिया है और ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं अपने नोज़ कॉन्ट्रोल कर लूँगी। इसके बाद वहाँ पे हाइलाइटर भी अप्लाई करूँगी। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लिया है और अब आई के बोन एरियाज़ पे, आईब्रोज बोन एरियाज़ पे मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। तो मेरा मेकअप